वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ नया बना रहे हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये मसाला है प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन का उबाल ले रहे हैं। और ये राजमा है, उबला हुआ राजमा। इसको अच्छी तरह से मैश लेना है और उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये थोड़ा गरम मसाला है, और लाल मिर्च पाउडर को डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। एक अच्छा डो रेडी कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर पाउडर है। कॉर्नफ्लोर पाउडर आपके पास नहीं है तो आरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। ये और थोड़ा सा नमक देकर इसका अच्छी तरह से मिलाकर इसको कबाब जैसा शेप देकर बना लेंगे हम। ये देखिए, ये कबाब बन चुका है। और मसाला के लिए ये प्याज, लहसुन, टमाटर और मिर्च का ये भी उबल गया है, इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में सरसों तेल डालें। आप दूसरा तेल भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो सारे कबाब को अच्छी तरह से उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जब ब्राउन हो जाए चारों तरफ तब आप इसे तेल से निकालेंगे और दूसरी बार भी ऐसे ही सेक लेंगे हम। आज कुछ नया बनाने का कोशिश किए हैं, आशा है ज़रूर पसंद आएगी। और बचा हुआ उसी तेल में जीरा और हींग का फ़ोरन दिए हैं और उसके बाद हल्दी डालकर पिसा हुआ मसाला डाल देंगे हम और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाले हैं और फ्लेम को कम रखेंगे। और जब तेल सेपरेट हो जाए तो आपको ग्रेवी जितना चाहिए पानी डालकर उबाल लें। कस्तूरी मेथी भी ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक दो उबाल हो जाए तो आप बंद कर देंगे। कबाब को पहले रखकर उसके बाद इसमें ग्रेवी डालें। ये बहुत अच्छा बनता है, ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।